दर्शन न्यूज। ताश के पत्तों की तरह ढह गए घर दुकान, निःशब्द देखते रह गए लोग, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सारण जिले को जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण में बाधक बन रही माझी छपरा मुख्य मार्ग के किनारे की दर्जनों दुकानों और घरों पर सारण जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर सड़क की जमीन को खाली करा दिया। छपरा के सदर एसटीओ संजय कुमार राय के नेतृत्व में मंगलवार को दिन भर चलाए गए अभियान में माझी के सीओ वीडियो रंजीत सिंह, थाना अध्यक्ष अमित कुमार राम के अलावा NHI के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में महिला व पुरुष बल के जवान तैनात किए गए थे। बुलडोजर तथा जेसीबी के सहयोग से गिराए जा रहे घरों व दुकानों को ताश के पत्तों की तरह गिरता देख कई घर के लोग छाती पीट कर रो रहे थे। मौके पर मौजूद कई ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उनको न तो नोटिस मिली है और न ही मुआवजे की राशि का भुगतान किया गया है। कई ग्रामीणों ने जिला प्रशासन द्वारा मुआवजे की निर्धारित राशि को मानक के विपरीत बताते हुए मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग की है। कई ग्रामीणों ने जिला प्रशासन पर जबरदस्ती करने का भी आरोप लगाया गया। करोदरों से शुरू किए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान नाराज महिलाओं ने ईंट पत्थर चलाकर बुलडोजर तथा जेसीबी का शीशा तोड़ दिया। इस दौरान कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल भी उत्पन्न हो गया। मौके की नजाकत को देखते हुए छपरा से दर्जनों महिला पुलिस बल को बुला लिया गया, तब जाकर महिलाएं शांत हुई तथा अभियान को आगे बढ़ाया जा सका। जिला प्रशासन द्वारा करोदरों से लेकर बलिया मोड़ तक अतिक्रमण हटाया गया। पूरे दिन अभियान के दौरान सैकड़ों लोग सड़कों पर जमे रहे। मौके पर मौजूद कई लोग कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों को फोन करके अभियान को रुकवाने का आग्रह भी करते रहे। हालांकि किसी जनप्रतिनिधि ने अभियान को रुकवाने की दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किया, जिससे लोगों में उनके प्रति काफी नाराजगी देखी गई। सारण से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। क्या आपको कमर और कमर के नीचे दोनों या एक पैर में दर्द या झिनझिनाहट रहता है या नसों में होती है दर्द, तो आपको साइटिका हो सकता है। अब पाएं सटीक इलाज, जल्द संपर्क करें सत्येंद्र प्रसाद, ग्राम पुष्ट बरेजा, थाना माझी, जिला सारण, बिहार। या अभी संपर्क करें, मोबाइल नंबर है 9931252609।